के डिफेक्ट्स जो होते हैं दैट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन रेगुलर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. रेगुलर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का दैट इज वेल ऑर्डर्ड एंड रिपीटेटिव. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैज वेल ऑर्डर्ड एंड रिपीटेटिव अरेंजमेंट. सो इन दिस अरेंजमेंट इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड some of the particle occupies some improper positions. For example, some of the particles are missing from their regular sites. The particles are missing from their regular sites. Then this is a vacancy defect. One of the particle is missing from its regular site. हमको यहाँ ऐसे दिख रहा है कि यहाँ जो regular arrangement है इसमें से एक दो पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं है. सो इन दैट केस सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड दिस इज योर वैकेंसी, दिस इज योर वैकेंसी. सो ऑल दीज आर द वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है. नाउ वैकेंसी में दो टाइप हमने देखा था. सो डिफेक्ट्स आर ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजिशन, ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजिशन और इम्प्रॉपर पोजिशन या फिर अब्सेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट जहां पे उसको होना चाहिए वहां पे वो है ही नहीं. मतलब वैकेंसी क्रिएट कर गया या फिर वो इधर उधर डिस्प्लेस हो गया. सो इन दैट केस that arrangement will have some defect and these defects are then classified into various types such as non-stoichiometric defect, stoichiometric defects and impurity defect. तीन अलग अलग टाइप में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. एक होता है stoichiometric जहां कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स का रेशियो है नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इन द पार्टिकल प्रेजेंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस सॉलिड विल बी सेम एज दैट ऑफ फॉर्मूला. जो फॉर्मूला में फॉर एग्जाम्पल NaCl का फॉर्मूला है इसमें रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1:1. तो इस सॉलिड के अंदर भी नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स और द आयंस Cl नेगेटिव आयंस इनका जो रेशियो है दैट रिमेन द सेम दैट इज कॉल्ड अ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सो इन दैट केस दैट विल बी अ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. दूसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. कोई दूसरा मटेरियल का पार्टिकल उसके अंदर आपने ऐड कर दिया या फिर दैट ऑक्युपाइज सम पोजीशन इन द क्रिस्टल. इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. एंड द थर्ड वन इज ए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जहां पे फॉर्मूला अलग रेशियो इंडिकेट करेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल NiO दिस रेशियो इज 1:1 बट इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट दैट रेशियो मे चेंज टू 9. So this ratio is somewhat different. In that case, such defect will be called as a non-stoichiometric defect. So if the particles have the improper position or absence of particle from its regular site, give rise to crystalline defect or what we call it as imperfections. That is imperfection because at absolute zero temperature a well ordered repetitive arrangement होता है. disorder बिल्कुल नहीं होता. वो हमारा third law of thermodynamics है जहां पे हमने बताया कि at absolute zero temperature entropy of perfectly crystalline solid is zero. मतलब zero kelvin पे ही आप बोल सकते हैं कि वहां पे जो particle arrangement है well ordered and repetitive होगा. उसके अंदर किसी भी type का defect या डिसऑर्डर नहीं होगा. इसका मतलब यह होगा कि 100% परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको ऑर्डिनरी टेम्परेचर रेंज में नहीं मिलता. दिस मींस दैट सम ऑफ द पार्टिकल मे ऑक्युपाई द डिफरेंट पोजीशंस और दे मे बी अब्सेंट फ्रॉम देयर रेगुलर साइट्स एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल.
these are due to missing of particles or displacement of particles from their regular sites. रेगुलर साइड से ये पार्टिकल हट जाएगा या फिर वो वहां पे रहेगा ही नहीं, पूरी तरह से दूसरी जगह चला गया या फिर पूरी तरह से वो क्रिस्टल में अब्सेंट है, वो जगह खाली है, तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन पॉइंट डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट्स आर आल्सो देयर बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हेन अ कंप्लीट रो ऑफ पार्टिकल्स is missing or get displaced. When a complete row of the particle, पूरी एक लाइन के सारे पार्टिकल इधर उधर हो गए, तो मतलब पूरी लाइन डिफेक्टिव हो गई आपके लिए. सो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज अ लाइन डिफेक्ट. सो सच अ पार्टिकल रो ऑफ द पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड और इट इज मिसिंग. When a complete row of the particle is missing or get displaced, then it is called as line defect. Okay, shall I wipe this one? Sir, 1 minute. Okay. I can see defect completely absence of that particle from the proper site. जो उसका original जगह है वहां पर से वो completely gap है. In that case, that will give rise to vacancy in that material, and in that case, that will be called as a vacancy defect. And particles, okay, are missing particles are missing from their regular sites. पूरी तरह से गायब है. When particles are missing from their regular sites, then it gives rise to vacancy defect. Still the electrical neutrality is maintained. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जहाँ आयोनिक सॉलिड्स में होता है खास, तो एनायंस एंड कैटायंस आर देयर, एंड इन दैट केस इफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग देन देयर मे बी इंबैलेंस ऑफ चार्ज, बट दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ वैकेंसी इफेक्ट. वैकेंसी इफेक्ट में हमारे पास में है शॉर्टकट इफेक्ट, और दूसरा जो है वो है सर ये हो गया है. या आई नो फ्रेंकल डिफेक्ट एंड अलोंग विद दैट सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ऑकर. Self interstitial defect. I am summarizing all these. Now this is your Schottky defect. In ionic solids,
आयोनिक सॉलिड्स में व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग cations and anions are missing from their regular size. Or they are absent, completely absent. Cations and anions are missing or absent from their regular sites. Then is called as Schottky defect. ये कहां होता है खास तौर से? When cation and anion have almost same size, almost same size, that happens in some of the crystals like NaCl. Le sakte aap a high degree of ionic character, and high coordination number of anion. High coordination number of anion. यहां पे दिस पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट एट द प्रॉपर साइट्स, दे आर कंप्लीटली अब्सेंट. सो इन दैट केस दैट गिव राइज टू द वैकेंसीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अल्टरनेटली. एक कैटायन गायब है वहां से, तो सिमिलरली इक्विवेलेंट अमाउंट में आपके अनायंस भी गायब हो जाएंगे. सो इतने पार्टिकल जब कम हो जाएंगे तो वैकेंट प्लेसेस होएंगे, उसकी जगह पे मास कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा ऐसे सॉलिड का. स्टिल द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन इन केस ऑफ Schottky defect. It shall avoid this vacancy defect. Density of the crystalline solid decreases due to Schottky defect. If there is a short note, then you have to mention all these things. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, यहां पे मेंटेन रहेगा. एग्जांपल्स के तौर से NaCl, AgCl और AgBr, KCl ऑल कैन बी देयर. This is all about the Schottky defect. Now, if cation has a smaller size as compared to anion, then such a cation will occupy the vacant spaces among the particles.
जो वैकेंट स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस. तो कैटायन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स अ स्मॉलर साइज. कैटायन विल ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल पोजिशन एंड इन दैट केस सच डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल डिफेक्ट में खास तौर से कैटायन जो है इट इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू एनायन एंड इन दैट केस इट मे गेट डिस्प्लेस टू इंटरस्टिशियल पोजिशन एंड इन दैट केस द वैकेंसी विल बी देयर. वो अपनी जगह से तो हट ही गया तो वहां पे वैकेंट स्पेस विल बी देयर एंड इन दैट केस सच डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज एन फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्रिस्टल के अंदर ही सब चेंजेस हो रहे हैं, मास में कोई चेंज नहीं आएगा. इन दैट केस इसका डेंसिटी जो है दैट रिमेन कॉन्स्टेंट. डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं गया. इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर स्टिल देयर. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर भी बना रहेगा. ओनली डिफरेंस इज दैट that cation has a too small size as compared to anion. So shall I wipe this one, Schottky defect? Yes. Yeah, Schottky defect mita do. Sir. Okay. Cation is too small as compared to anion. Shows a Frenkel defect. In Frenkel defect, cation can displace चला जाएगा, उसकी जगह खाली रह जाएगी. दैट इज अ वैकेंसी और यू कैन से द होल. Radius of cation to radius of anion. And that should have the low coordination number. एग्जाम्पल के तौर पे हम CaF2 ले सकते, ZnS ले सकते, जहां पे cation is a smaller one, then you can have that AgI, जहां सिल्वर काफी छोटा होगा as compared to iodine. यहां पे डेंसिटी No effect on density.
in all, these are the two important Schottky and Frenkel defect. Along with this, there is impurity defect. We'll go for that now. Now the impurity defects are also there. When we add some foreign particles are added to the crystalline structure and they occupy some of the regular sites, or that may occupy the interstitial positions. Do type rahega iska. When a foreign particle is added to regular crystalline structure, then it gives rise to impurity defects. So these are specially created. हम अपने पर्पस के लिए इसके अंदर फॉरिन पार्टिकल्स को एड करने वाले इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज. ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा. प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो रहेगा, बट उसके अंदर जब आप इम्प्यूरिटी एड करने की बात कर रहे हो तो मीन्स यू आर एडिंग पर्पसफुली इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स सर्टन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल. So that's why we are using a foreign particle. So shall I wipe the Frenkel defect? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Substitutional impurity. Defect. This is one of the type in which regular particle is substituted by some other particle. और दूसरा जो होता है interstitial impurity defect. दोनों अलग अलग है. एक substitutional impurity defect होगा आपका और दूसरा interstitial impurity defect होगा. देखते हैं इसमें से पहला. Thank you.
सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, इसमें क्या करना है? A regular particle of crystalline structure is replaced by impurity particle. So that is what is substitution. It is substituted by the impurity particle. Substitutional impurity defect. ब्रास में जो कॉपर का अरेंजमेंट है पूरी तरह से, उसमें से कुछ कॉपर आइटम्स को हम जिंक से रिप्लेस कर देंगे इन ब्रास. Are replaced by the zinc. So ये मेरे copper items हैं. Then one of the particle is there. This is of zinc. So in this case, one of the particle is substituted by the other. Zinc है और ये आपका copper particle है. ये जिंक वाला है, तो एक कॉपर आइटम को मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया है बाय जिंक, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जहां रेगुलर पार्टिकल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉरेन पार्टिकल. एंड इन दैट केस यू कैन हैव द अनदर वन आल्सो, दिस इज आल्सो सपोज जिंक. This is also zinc particle. Remaining जो है वो copper के रहेंगे. So this is what a substitutional impurity defect. दूसरा ये है interstitial impurity defect. इसमें आपका फॉरेन पार्टिकल ये जो खाली जगह दिख रही पार्टिकल्स के बीच में वहां पे जाके बैठ जाएगा. एन इंप्यूरिटी पार्टिकल हैविंग स्मॉलर साइज occupies in sites among the regular host particles. That will be among the host particles. Then it is called as
इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. Interstitial impurity defect. Stainless steel की बात करेंगे. Stainless steel. कार्बन आइटम जो है काफी स्मॉलर इन साइज होता है. दैट स्मॉलर पार्टिकल विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स अमंग द होस्ट पार्टिकल्स. कार्बन आइटम ऑक्यूपाइज this one. Okay. So we have the regular arrangement of Fe atoms, and among these Fe atoms there are some empty spaces where the carbon occupies. These are the Fe atoms. Here you can have that carbon particle, यहाँ पे एकादा carbon particle, यहाँ पे carbon particle. So these are the impurity items that are occupying the empty spaces among the host particles. So this is your Fe. All these are Fe items. Iron का है. और इनके बीच में जो जगह खाली है, that is called as interstitial spaces. And here you are placing your carbon atoms having smaller size. That carbon cannot displace these particles. Okay, ये stainless steel का है structure. इसमें ये जो बताया मैंने, this is that is the impurity item. जबकि ये जो है this is the case of interstitial impurity defect. यहाँ पे क्यूरिटी
is it or ionic solid hai, cations and anions will be there, and to this you are adding some foreign particle having higher oxidation state than that of cation, host cation khas taur se. So in that case what happens, the positive charge badh jayega, theek hai na. Ab ye positive charge ko balance karne ke liye hamare paas mein dusra kuch nahi rahega. So in that case वहां पे जो खाली वैकेंसी है आपका SR डाई पॉजिटिव ऐड कर दिया आपने, एक Na पॉजिटिव का जो चार्ज है उसको बैलेंस कर दिया. सो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन एल्यूवेलेंट इंप्यूरिटी डिफेक्ट, दैट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट. व्हेन अ कैटायन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड is replaced by different metal ion with higher oxidation state. चार्ज तो बैलेंस हो गया आपका, एक Na पॉजिटिव नहीं था वहां पे, उसके बदले में आपने दूसरा डाई पॉजिटिव आयन उसके अंदर भर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो गया आपका, बट Na पॉजिटिव का जो वैकेंसी है वो परमानेंटली रहेगा, बिकॉज एक डाई पॉजिटिव आयन दो Na पॉजिटिव की बराबरी कर सकता है यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए. सो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी. सो शाला भाई दिस वन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को हटा दूं मैं यहां से. सर व्हेन अ कैटायन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट मेटल आयन विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन वैकेंसी ऑफ होस्ट कैटायन remain but charge get balance, positive charge जो है वो balance हो जाएगा आपका, because मैं यहाँ पे डाई पॉजिटिव आयन जब डाल रहा हूं तो दो Na पॉजिटिव की बराबरी करेगा, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया लेकिन जगह आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, जो स्पेस है वो खाली रहेगा, एंड दैट विल गिव राइज टू वैकेंसी, दैट इज एल्यूवेलेंट और वैकेंसी डिफेक्ट और वैकेंसी. NaCl का हम एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले.
ठीक है। अब इसके नीचे सीएल नेगेटिव, यहां पे मैं एक दूसरा इंप्यूरिटी आइटम ऐड कर रहा हूं, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में। अब इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यदि काउंट करेंगे तो सब बैलेंस दिखेगा, एक दो तीन चार और दो छः सात आठ नौ दस पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, दस पॉजिटिव चार्जेस यहां पे दिख रहे हैं इसका प्लस टू पकड़ के, ठीक है। देन नेगेटिव गिनते एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस। तो यहां पे जो वैकेंसी है वो क्या है, ये आपका वैकेंसी हो गया Na पॉजिटिव का, सो दैट इज ड्यू टू चार्ज। तो इसने बैलेंस कर लिया, आपने स्ट्रॉन्सियम ऐड कर दिया इसके अंदर, चार्ज बैलेंस हो गया, लेकिन Na पॉजिटिव का जो जगह खाली है वो खाली का खाली ही रहेगा, ठीक है ना। सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज एलियोवेलेंट वैकेंसी इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ओके।